स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल फोर्थ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। एफ आपके पास कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है, आपको क्या इवेलुएट करना है, सरफेस इंटीग्रल। जहाँ पे एस क्या दे रखा है आपका, एक सरफेस है क्यूब का, जो कि किससे फॉर्म होती है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू वन। तो देखो ये तो आपके पास हो गया जीरो जीरो पॉइंट, एक्स की वैल्यू जीरो और वन, वन कहाँ पे आएगी आपके पास, यहाँ पे आएगी। इस पॉइंट को आपने मान लिया बी, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आ जाएंगे, एक्स तो वन आ जाएगा। इसको सबसे पहले हमने क्या मान लिया, इसमें से किसी को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हो, ठीक है। इसको हमने ले लिया जेड एक्सिस, इसको हमने ले दिया एक्स एक्सिस और इसको हमने ले दिया वाई एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है आपका, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है आपका, जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। जीरो तो आपका ये, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स तो वन, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, जीरो जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर। इसको आपने मान लिया पॉइंट ए। फिर देखो वाई कितना है आपका, जीरो से लेके y इक्वल वन, तो y जीरो तो यहाँ पे, वन यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, जीरो वन और जीरो। z के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, जीरो और वन, तो ये आपके पास जीरो जीरो, ये आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो जीरो और वन। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोल दिया आपने, बोल दिया n। इसको क्या बोल दिया आपने, पॉइंट C। अब n के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, देखो n किस प्लेन में है आपका, वाई जेड प्लेन में, तो यहाँ पे आपका वाई भी जीरो जेड भी जीरो, सॉरी वाई भी वन और जेड भी वन। तो x कितना आ जाएगा वाई जेड प्लेन के अंदर, वाई जेड प्लेन में आपका x होता है जीरो, तो वाई वन और जेड वन। अब ये पॉइंट देखो आपका, ये पॉइंट किस प्लेन में है आपके पास, एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर देखो एक्स वन है और वाई भी कितना है आपका, वन, तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, वन वन जीरो। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये किस प्लेन में है आपके पास, जेड एक्स प्लेन में, तो जेड एक्स प्लेन में है आपका और जेड कितना है आपका, वन, और एक्स भी कितना है आपका, वन, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वन, वाई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और आपका जेड कितना है, वन। अब ये वाला जो पॉइंट है आपका देखो, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू भी कितनी, वन, y की वैल्यू भी कितनी, 1, और z की वैल्यू भी कितनी, 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, 1, 1, 1। इसको बोल दिया m, इसको बोल दिया m और इसको बोल दिया आपने p, ठीक है। ये आपका P पॉइंट, ये आपका M पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दिया आपने L, तो ये आपके पास एक क्या बन गई, क्यूब बन गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस क्यूब के सरफेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कितना होता है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S, F डॉट N ds, दिस इज इक्वल टू, एन क्या है आपके पास, एन है आपका सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो देखो इस सरफेस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम ये कर सकते हैं ना, कि ये आपका सरफेस किससे बाउंड है आपका, एक प्लेन तो ये और एक इसके बिल्कुल पैरेलल में प्लेन ये, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तीसरा प्लेन ये ऊपर, चौथा प्लेन ये नीचे, तो इससे बाउंड है आपका। तो इस तरह से आप अगर इन सिक्स प्लेन्स के ऊपर एरिया फाइंड आउट कर लो और उन सब का सम कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और टोटल क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपके पास आएगा सरफेस एरिया किस सरफेस के अलोंग आपका, इस प्लेन के अलोंग, ये प्लेन क्या है आपका, AMPL, जो भी आपका फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस किस सरफेस के अलोंग, जो आपका इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये आपका यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके अपोजिट, पीछे पीछे कौन सा प्लेन है आपके पास, ये वाला प्लेन, ठीक है, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, ये प्लेन कौन सा है आपके पास, CNOB, इस प्लेन के अलोंग इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, प्लस सरफेस एरिया अलोंग द, जो आपके पास ये वाई एक्सिस के ऊपर प्लेन है इसके अलोंग, ये क्या है आपके पास, MBNP, इस प्लेन के अलोंग आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे,
प्लस इस प्लेन के बिल्कुल पीछे कौन सा प्लेन है आपके पास, ये वाला प्लेन, ये ठीक है। इसके अलोंग ये कौन सा प्लेन है आपके पास, ये आपके पास है ये वाला प्लेन। तो ये कौन सा है आपके पास, ए ओ एल सी, ए ओ एल सी ठीक है। प्लस दो प्लेन कौन से रह गए आपके पास, एक ये ऊपर वाला प्लेन और एक ये नीचे वाला प्लेन। ऊपर वाला प्लेन कितना है आपके पास, पी एन सी एल ठीक है, प्लस डबल इंटीग्रेशन। नीचे वाला प्लेन कौन सा है, ए एम बी ओ, इसके अलोग इसका सरफेस इंटीग्रल ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम किस प्लेन के अलोंग फाइंड आउट करेंगे, इस वाले प्लेन के अलोंग सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा अलोंग प्लेन डबल इंटीग्रेशन ए एम पी एल। इस प्लेन के अलोंग देखो, इस प्लेन के अलोंग जो आपका इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, डबल इंटीग्रल ओवर प्लेन ए एम पी एल एफ डॉट एन डी एस ठीक है। ये है आपका सरफेस इंटीग्रल। बताया था आपको सरफेस इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हो, प्रोजेक्शन से इवेलुएट करते हो। तो सबसे पहले ये आपका प्लेन देखो कौन सा है, ए एम पी एल, इसको अलग से नोट कर लो। आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्लेन है आपका ए एम पी एल। इस प्लेन की क्या इक्वेशन है आपके पास, इस प्लेन के ऊपर देखो x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, वन। ये इस प्लेन की क्या है आपकी इक्वेशन है। अब देखो ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पे जो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या आएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है आपका, x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आता है, आई कैप ठीक है। तो ये आपके पास कितना किस में रिड्यूस हो जाएगा आपका, डबल इंटीग्रेशन। प्रोजेक्शन किस प्लेन के ऊपर लोगे, देखो ये आपका प्लेन यहाँ पे ऐसे है, ये वाली सिचुएशन, ये आपके पास एक्स सॉरी ये आपके पास जेड वाई प्लेन और ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू वन की प्लेन की इक्वेशन। प्रोजेक्शन कैसे लोगे, आप लाइट डालोगे तो ये प्लेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो जो आपका प्रोजेक्शन आएगा वो किस प्लेन में आएगा आपके पास, वाई जेड प्लेन में, मीन्स इस प्लेन में आएगा ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो वो किस प्लेन में जाएगा आपका, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में अगर आपका प्रोजेक्शन जाएगा तो जो वेरिएबल की लिमिट आएंगी वो कहाँ से कहाँ आएंगी, y और z की आएंगी। y और z की लिमिट कितनी है, 0 से लेके 1 तक। और f डॉट n कितना है आपके पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब इस सरफेस के ऊपर वेक्टर नॉर्मल कौन हो जाएगा आपके पास, x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, i। तो ये आपके पास आ गया i, क्योंकि प्रोजेक्शन आपका वाई जेड प्लेन में है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, डी जेड डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट, इसके ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता था वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है आपके पास, i। और ये n भी क्या है आपके पास, i है आपका। तो ये आ गया i डॉट i, i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ठीक है। अब जो जो चीज़ आपके पास है उनकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ गया, 0 से लेके 1 एफ डॉट आई। जब आप आई कैप के साथ एफ का डॉट लोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, जे और के का तो मल्टीप्लीकेशन करोगे 0 आ जाएगा, आपके पास आएगा सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो कितना आ गया आपके पास, 4xz ठीक है, dz dy। अब देखो आपको एक चीज बताई थी, जिस वेरिएबल में ये लिमिट होती है आपके पास dz dy, आपका ये फंक्शन भी किस में चेंज होना चाहिए, उसी में। मींस आपका यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं है, तो आप x को क्या करोगे, चेंज करोगे। x की वैल्यू इस प्लेन पे कितनी है आपकी, x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 1। ये आपके पास कितना आ गया, 4z dz dy, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये तो आपके पास था जस्ट इस प्लेन के अंदर। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, जो इसके बिल्कुल बैक में प्लेन है उसके ऊपर,
अब इसका सेकंड इंटीग्रेशन किसके अलोंग है, सी एन ओ बी, मीन्स आपका इस प्लेन के अंदर, ठीक है। अब इस प्लेन की जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या है, देखो ये आपके पास जेड एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। तो इस प्लेन में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो, क्योंकि एक्स तो इधर इंक्रीजिंग है ना, और ये प्लेन आपका कौन सा है, जेड वाई प्लेन। तो जेड वाई प्लेन में आपका एक्स कितना होता है, जीरो, ठीक है। और जेड और वाई की लिमिट कितनी है आपके पास, जेड भी जीरो से वन, और वाई भी कितना है आपका, जीरो से लेके वन तक। तो करो अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट, कितना आ जाएगा आपके पास, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस, दिस इज इक्वल टू आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, जीरो से लेके वन वन तक आ जाएगी, एफ डॉट एन। एफ डॉट एन, एन क्या है आपके पास, इस प्लेन के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब इसके ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर को आई मत लगा देना, क्योंकि आई जब आप लगाओगे तो सरफेस के अंदर आ जाएगा। आपकी जो ये शेप है ये कुछ कुछ ऐसी है, ठीक है। ये आपके पास शेप कैसी है, ऐसी। ये आपके पास एक प्लेन, ये आपके पास दूसरा प्लेन, ये आपके पास तीसरा प्लेन, ये आपके पास चौथा प्लेन, ये आपके पास पांचवा प्लेन, ये आपके पास छठा प्लेन। इस प्लेन के ऊपर हमने निकाल लिया पिछले वाले पार्ट में, अब हम किसके ऊपर निकालेंगे, इस प्लेन के ऊपर। तो इस प्लेन पे जब आप निकालोगे सरफेस इंटीग्रेशन, तो देखो इसके ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वैक्टर होगा, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वैक्टर, वो इधर की डायरेक्शन में होगा। अब ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड आपके पास नेगेटिव। तो आपके पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा प्लस आई, लेकिन इस वाले प्लेन के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा आपके पास, माइनस आई, ठीक है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना है आपके पास, माइनस आई डॉट, किस प्लेन में है आपके पास, जेड वाई प्लेन में। तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, डी जेड डी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट, एन कितना है आपके पास, माइनस आई, और आपके पास इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो भी क्या है आपके पास, आई, ठीक है। तो अब देखो, और x कितना है इस प्लेन के ऊपर, x की वैल्यू है आपके पास जीरो। सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो आपके पास देखो कितना आएगा, डबल इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन वन, f कितना है आपके पास, फोर एक्स जेड आई, ठीक है। क्योंकि i के साथ मल्टीप्लाई करोगे, j वाली टर्म तो आएंगी नहीं आपके पास, तो आपके पास आएगी सिर्फ ये वाली टर्म, डी जेड डी वाई एज इट इज, i डॉट i वन। अब x की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस प्लेन के अलोंग आपका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब किस प्लेन के अलोंग निकालोगे आप इंटीग्रेशन, आप निकालोगे एम बी एन पी। एम बी एन पी कौन सा प्लेन है आपके पास, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर है आपका, ये वाला प्लेन। अब निकालो इसके ऊपर, देखो ए एम बी प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, और ये आपके पास वाई एक्सिस। तो देखो इस प्लेन के ऊपर जो आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या आएगा, ये वाला, और ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जे। फिर हम जैसे हमने इस प्लेन के ऊपर निकाला, सिमिलरली इसके ऊपर निकालोगे तो इसके ऊपर आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर माइनस आई, सॉरी माइनस जे आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के अगले दोनों इंटीग्रल के पार्ट सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो इस प्लेन के अलोंग जब आप सरफेस इंटीग्रल निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। जब आप प्रोजेक्शन इस प्लेन का लोगे तो क्या आएगा इसका प्रोजेक्शन, इस वाले प्लेन में इस तरह से आएगा इसका प्रोजेक्शन। और इस प्लेन के ऊपर आपके पास वेरी कौन करेगा, जेड और वाई, ठीक है। तो आपके पास ये किस प्लेन में आ गया, वाई जेड प्लेन में आ गया, वाई जेड प्लेन में आ गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, डी वाई और y, तो आपका ये था आपके पास x, तो ये आपके पास किस प्लेन में आ गया, एक्स जेड प्लेन में। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डी एक्स और डी जेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, f डॉट n कितना है आपके पास इस प्लेन के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अभी बताया था कितना आएगा आपके पास, j आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, f डॉट j डिवाइडेड बाई
एन कैप कितना है आपके पास, जे डॉट, और इसके जो परपेंडिकुलर, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो भी कितना है आपके पास, जे, वही तो लिखते थे यहाँ पे। तो जे डॉट जे तो आ जाएगा 1, एफ की जब जे के साथ डॉट लोगे तो एफ का सिर्फ जे एथ कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, सोल्व होके देखो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास, एफ कितना है 4xzi - y² j, और आपका डॉट लेना है आपको जे के साथ, ठीक है, जे के साथ डॉट लोगे तो ये माइनस का वाई स्क्वेयर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 से लेके 1 1, और ये कितना आएगा माइनस वाई स्क्वेयर dx dz, ठीक है। अब देखो y आपके पास वेरिएबल, लिमिट x और z में चेंज करोगे किसको, y को चेंज करोगे, तो देखो इस प्लेन के ऊपर आपके पास इक्वेशन क्या है आपकी, y कितना है इस प्लेन के ऊपर, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 1 -1 dx dz, जब इसको सोल्व करोगे तो आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए जस्ट आपको ये देखना है कि आपका सरफेस कौन सा है, उस सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, और उस सरफेस की इक्वेशन क्या है, ठीक है, मीन्स उस प्लेन की इक्वेशन क्या है। जैसे पहले में एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1, ये इक्वेशन थी, इसमें आपके पास कितनी है प्लेन की इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू 1, ये हमने क्यों किया, इस वेरिएबल को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स और जेड में है, तो यहाँ पे वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए आपकी, इसलिए। तो ये तो आपका इसके अलोंग था, अब हम किस प्लेन के अलोंग निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस प्लेन के अलोंग, ये प्लेन आपका क्या है, ये प्लेन है आपका जेड एक्स प्लेन में, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, निकालो कैसे आएगा देखो। तो देखो इस प्लेन के अलोंग जब सरफेस इंटीग्रेशन निकालोगे क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन AOCL एफ डॉट NdS। अब देखो बताया था इस प्लेन के ऊपर आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, माइनस जे आएगा, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो आपके पास आ गया माइनस जे। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, इस प्लेन पे तो वाई कितना है 0, वाई तो आपका स्टार्ट ही इस डायरेक्शन में होता है, तो इस प्लेन के ऊपर वाई कितना है आपका, वाई तो है 0, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है आपके पास माइनस जे। तो देखो कितना आएगा जब वैल्यूज पुट करोगे, ये आपके पास आ गया डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके 1 1 एफ डॉट, एफ कितना है आपके पास 4xzi - y² j + y z k, और डॉट किसके साथ है आपका, माइनस जे के साथ, और साथ में कितना आएगा, ये किस प्लेन में है आपके पास, dx dz डिवाइडेड बाई कितना होता है आपके पास, n डॉट जे आ जाएगा यहाँ पे माइनस जे, और n भी कितना है आपके पास, जे है आपके पास माइनस जे, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना आएगा, माइनस वाई स्क्वेयर आएगा, और वाई की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर 0, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आ गया आपके पास, 0 आ जाएगी, 0 dx dz, तो ये इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका, 0 आ गया इस प्लेन के अलोंग, ठीक है। अब हम किस प्लेन के अलोंग निकालेंगे, इस ऊपर वाले प्लेन के अलोंग और इस नीचे वाले प्लेन के अलोंग, वैसे तो ये क्यूब नहीं है, एक मिनट के लिए इसको क्यूब ही मान लो। तो देखो ये आपके पास ऊपर वाला प्लेन और ये आपके पास जेड एक्सिस, तो जो आपके पास इस सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इस जेड के अलोंग है, जेड ही तो है परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर, तो इस प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जेड के अलोंग आपके पास के होता है, और जब आप इस प्लेन पे निकालोगे तो इस प्लेन का जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, मींस माइनस के इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा और के इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा। इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रख के अब अगले दोनों पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक। तो देखो इस प्लेन, ये वाला प्लेन है आपके बार आपके पास, मींस इस क्यूब का ऊपर वाला प्लेन, इस प्लेन के अलोंग परपेंडिकुलर कोण जेड, तो आपके पास आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर के। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन है आपके पास जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपके पास जेड की वैल्यू कितनी है 1, जेड आपका कॉन्स्टेंट है इस प्लेन में, तो जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ये इस प्लेन की इक्वेशन। तो देखो आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन लोगे, अब इस प्लेन
प्लेन का जब प्रोजेक्शन लोगे तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा, नीचे वाले प्लेन के ऊपर आएगा। तो ये आपका एक्स, ये आपका वाई, जब आपने इसका प्रोजेक्शन लिया तो वो किस प्लेन में जाएगा आपके पास, वाई और एक्स प्लेन में, ठीक है। वाई और एक्स प्लेन में प्रोजेक्शन जाएगा आपके पास, तो लिमिट किस किस की आएंगी, एक्स और वाई की, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, एक्स भी जीरो से वन, y भी 0 से 1, ठीक है। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगा f डॉट n ds वो कितना आ जाएगा ओवर सरफेस s, दिस इज इक्वल टू 0 टू 1 1 f डॉट n, n कितना है आपके पास वेक्टर k, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, अगर x y प्लेन में है तो dx dy आ जाएगा डिवाइडेड बाय n डॉट k, n डॉट k, क्योंकि x और y के परपेंडिकुलर कौन होता है k, और n भी कितना है आपके पास k, तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा k आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। f का जब k के साथ डॉट लोगे तो इसका जो kth कंपोनेंट है वही आएगा, जो इसका k कैप वाला कंपोनेंट है वो, तो कितना आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो 0 से 1 1 k के साथ लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी y z, ठीक है, dx dy और ये आपका 1। अब देखो x और y पे इंटीग्रेशन, z को चेंज करना पड़ेगा, z को कैसे चेंज करोगे, z की वैल्यू कितनी है आपकी इस प्लेन के अलोंग 1, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे, तो आपके पास आ गया 0 से लेके 1 1 y dx dy। जब इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आएगी, ये आपके पास आगी 1/2। अब किस प्लेन के अलोंग निकालोगे, अब जो आपके पास ये जो नीचे वाला प्लेन है इस प्लेन के अलोंग इसका इंटीग्रेशन, इसके अलोंग जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो देखो इस प्लेन की क्या इक्वेशन है, इस प्लेन में आपका जेड कितना है 0, जेड कितना है आपका 0, इसमें तो प्रोजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक अपना एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो कितना आएगा देखो इंटीग्रेशन इसका, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओवर द सरफेस एस, दिस इज इक्वल टू किस प्लेन में है आपका, एक्स वाई प्लेन में है, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से लेके 1 1 आएगी, यहाँ पे क्या आएगा एफ डॉट, अब देखो इस प्लेन के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, जो आपका नीचे वाले डायरेक्शन में है ये वाला है, और इसके अलोंग आपका के है, तो इसके अलोंग कितना आएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर माइनस के, माइनस के के साथ इसकी कर दो मल्टीप्लीकेशन, फिर देखो कितना आएगा यहाँ पे डी एक्स डी वाई, ये आपका 1 बन जाएगा। तो देखो जब आप f का डॉट k के साथ लोगे तो y z आएगा, और किसको चेंज करोगे z को, अब इस प्लेन में आपके पास z की वैल्यू कितनी है 0, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो देखो कितना आया 0 से 1 1 f डॉट माइनस k करोगे ये आपके पास आएगा माइनस वाई जेड डी एक्स डी वाई, जेड को क्या पुट करोगे 0, तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आगी 0, जो भी हमने इन 6 पार्ट्स के अलोंग डेरिवेटिव निकाली है इसकी वैल्यू इन सब को क्या कर देंगे सम अप कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास टोटल क्यूब थी उसके अलोंग आपका क्या आ जाएगा सरफेस एरिया आ जाएगा, तो कितना आएगा देखो एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू फर्स्ट के अलोंग 2 था, सेकंड के अलोंग 0 था, थर्ड के अलोंग माइनस 1 था, फोर्थ के अलोंग 0 था, फिफ्थ के अलोंग 1/2 था, और सिक्स के अलोंग 0, तो ये आपके पास आ गया 3/2, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करोगे सोल्व करोगे,